टेस्ट एग्जाम है इंडिया का यूपीएससी, उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर दिए। अच्छा, हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं, क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर। उसी दिन हमने ये प्रण लिया था कि भारत का कोई भी बच्चा उसके सफलता में पैसा उसकी बाधा नहीं बनेगी, चाहे उसको जितना भी पढ़ना रहे। आपके फॉलोअर्स में रवीना टंडन भी है एक, तो जब आप आए कितनी मुस्कुराहट आई खान साहब। आप पटना से है ना? हमें भी पटना पसंद है। तो ये आपके पीछे पड़ा कोई क्रेजी फैन ऐसा? आजकल के फैंस यस। ओनली खान सर। सीरियल तो और ससुराल चौपट रहता है। देखो सीरियल में समझे में नहीं आता। अच्छा एक चीज कभी गौर कियो, सीरियल में ना हीरोइन जो होती है सब, यानी जो उसमें वो लीडिंग कैरेक्टर में होते हैं सब, आदमी सीरियल में झुंझुना रहता है। आप सीरियल को ध्यान से देखिएगा, आदमी का रोल क्या होता है। जैसे सीरियल चालू होगा, आदमी को शीशा के सामने टाई लगाते दिखाया जाएगा, उसकी पत्नी बैग लेके खड़ा रहेगी। अगला सीन में वो ऑफिस में लैपटॉप खोला है, खत्म काम उसका, सीरियल खत्म, बाकी सब महिला। अच्छा तू खाना बनाई है, नमक छोंक देगी जा। आदमी का काम खत्म, बस लैपटॉप खोलो टाई लगाओ खत्म कहानी। बाद में आएगा घरे तो देखेगा वो मम्मी अलग मुंह फुलाई है, पत्नी अलग रो रही है, परेशान रहता है। तो सीरियल में तुम तो मेल का कैरेक्टर देखना, बेचारा इसको लिया काहे है, चुपचाप बेचारा एकदम नहीं जाता के बीच में अनाज पिसा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब बेचारा पिसा जाता है यहाँ से, किसी को दिक्कत? आप लोग भी पिसाइएगा, इसलिए डे वन से आप लोग हमारी बात को याद रखिएगा। डे वन से पहले दिन से तुम लोग एकदम समझ में आता है। तुम्हारा उम्र कितना है अभी?